Hello students. So today we are starting new chapter, which is it is 17th chapter in your science book, man made materials. So basically starts like make list of 20 different man made materials present in your home, school, place around and discuss. So ye to main chahta hu aap log ye aapka pehla question hai homework ka. Aap 20 different man-made materials जो आपके अराउंड आपको दिखते हैं आप बनाइए उसके ऊपर एंड फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ मतलब हम कई तरह की वस्तुएं यूज करते हैं हमारे दिनचर्या में और दोज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक वुड है कि नहीं जैसे वुड का क्या है दरवाजे रहते हैं वुड के खिड़कियां रहती हैं ग्लास प्लास्टिक तो हर जगह आप देखते हैं थ्रेड मिट्टी है मेटल्स हैं मेटल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था घरों में यूटेंसिल्स रहता है बहुत कुछ रहता है रबर सो आउट ऑफ इसके बीच में वुड रॉक मिनरल वाटर आर नेचुरल ये जो वुड है या रॉक है ये क्या है नेचुरल रिसोर्स ये नेचर से हमको मिलता है ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल material in laboratory with the help of it various materials are manufactured in factories such materials called man-made materials to beta ye jo man-made materials hai ye basically kya hai ye natural material ko hi study karke banaya jata hai to jo man-made isko synthetic bhi bolte hain hum bolte hain ye synthetic cheez hai wo man-made material hai jo hum banate hain materials isme जो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो आपके चैप्टर में ग्लास प्लास्टिक आर्टिफिशियल थ्रेड थर्मोकोल्स ये सब है आपके सिलेबस में जिसको हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा डिस्कस मोस्टली प्लास्टिक के ऊपर हम करेंगे लेट्स सी हाउ कितना हम कवर कर पाते तो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक प्लास्टिक सुनते ही सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में क्या है कि नहीं आजकल तो नो प्लास्टिक आना चाहिए ऐसा कुछ प्लास्टिक सुन के ही नो प्लास्टिक आपके दिमाग में आना चाहिए लेकिन प्लास्टिक का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि ये इन्वेंट क्यों हुआ कैसे हुआ और इसके आजकल अगर आप देखेंगे यूजेस अनलिमिटेड आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते जैसे देखिए आप सुबह उठ जाइए तो ब्रश तो आप करेंगे वो क्या है प्लास्टिक है स्कूल आने से पहले आज पता नहीं कंघी कर रहे हैं कि नहीं आप कॉम तो यूज करती होंगे घर में कॉम क्या है प्लास्टिक है डिशेस प्लास्टिक है बॉटल कुछ भी बॉक्स ले लीजिए रेफ्रिजरेटर जो आप घर पे है पूरा प्लास्टिक है या आपके पास वाटर प्यूरिफायर है प्लास्टिक है लैपटॉप है टीवी है उसका मटेरियल जो है जो प्लास्टिक से बना हुआ है या आपके हाथ में भी है मोबाइल फोन है इसके जो पीछे का पूरा पार्ट है वो क्या है वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक हर जगह आ चुका है आप प्लास्टिक को अवॉइड नहीं कर सकते इसलिए कुछ हमें समझना चाहिए व्हाट इज प्लास्टिक है क्या उसका जो डेफिनेशन है प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल सिंथेटिक मतलब क्या बेटा मैन मेड मटेरियल आर्टिफिशियली मेड और ये नेचुरल अकरिंग नहीं है इसको बनाया जाता है कहीं इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में सिंथेटिक मटेरियल है कैसे बनाया मेड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स अब ये पॉलीमर क्या है बेसिक बोलेंगे सर ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या जैसे हमने पढ़ा था एटम से क्या बनता है मॉलिक्यूल्स बनता है वैसे ही बहुत सारा एक यू नो मोनोमर्स रहते हैं जो लीनियर अरेंज किया हो नहीं तो क्रॉस नहीं तो सर्कुलर भी होते हैं इनको इस अरेंजमेंट्स को क्या करते हैं जब ये इंटरलिंक करते हैं कैसे लीनियर क्रॉस कोरो ये एक चेन बनाते हैं ये जो मोनोमर्स है ये स्मॉल स्मॉल मोनोमर यूनिट्स रहते हैं डिफरेंट पैटर्न में जब ये मिलते हैं इसको पॉलीमर बोलते हैं क्लियर बेटा पॉलीमर क्या है वो मोनोमर यूनिट सेट अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न उसको पॉलीमर बोलते हैं तो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है कुछ जैसे पॉलीथाइलीन है पीवीसी है नाइलॉन है ईटीसी दैट कैन बी मोल्डेड इनटू शेप व्हाइल सॉफ्ट एंड देन सेट इनटू रिजिड और स्लाइटली इलास्टिक फॉर्म बेसिकली उसको आप पहले हीट करो या उसको पूरा मोल्ड मेल्ट कर दो और फिर आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं तो ये सब प्लास्टिक की डेफिनेशन है क्या है प्लास्टिक प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पॉलीमर्स क्या है मैंने आपको बताया मोनोमर यूनिट डिफरेंट पैटर्न्स में उसको क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं ये लीनियर हो सकता है क्रॉस होता है सर्कुलर भी हो सकता है तो ऑर्गेनिक पॉलीमर सच एज
और भी पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है, कुछ पीवीसी, नाइलॉन, दैट कैन बी मोल्डेड इनटू शेप्स व्हाइल सॉफ्ट एंड देन सेट इनटू रिजिड और स्लाइटली इलास्टिक फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। और प्लास्टिक तो आपको समझ गया, अभी कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक हम देखते हैं कि प्लास्टिक आखिर क्या क्या है, ये हमने पढ़ लिया। इसकी कंपोजिशन सिर्फ आपने पॉलीमर्स ही नहीं है, क्या क्या है, पॉलीमर्स भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो ये कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे चाक, आइवरी डस्ट, वुड, फ्लोर, जिंक, ये सब आता है इसमें कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक है, ये सब चीजें यूज होती हैं। अभी हम क्या देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो प्लास्टिक है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक दैट दे कैन बी क्लासिफाइड कंसर्न वेरियस एस्पेक्ट्स एज अकॉर्डिंग टू देयर, पहला जो उनका क्लासिफिकेशन है वो बिहेवियर विद रिस्पेक्ट ऑन हीटिंग, फिर स्ट्रक्चर, फिर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम एक चार्ट देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये क्लासिफिकेशन किया है मैंने, बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हीट, ये आपके सिलेबस में है बेटा, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिक। फिर ये भी एक क्लासिफिकेशन है, देख लीजिए, होमोजीनियस है, हिटरोजीनियस। फिर फिजिकल और मैकेनिकल के ऊपर है, रिजिड प्लास्टिक, सेमी रिजिड, सॉफ्ट प्लास्टिक और इलास्टोमर्स। आपके सिलेबस में फिलहाल यही है, बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू हीट, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जो बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू द हीट है, इसमें दो टाइप है जो हमने पढ़े अभी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इसमें जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जो है वो क्या है बेटा, जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक वेराइटी सॉफ्टन्स बाय हीट एंड हार्डन्स बाय कूलिंग डाउन, इट कैन बी यूज रिमोल्डिंग एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। मतलब थर्मोप्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक कैसा है बेटा, हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करेंगे तो वापस हार्ड हो जाएगा, इसको थर्मो प्लास्टिक्स बोलते हैं। लेकिन जो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स हैं, कैन नॉट बी रीयूज, इसको आप रीयूज नहीं कर सकते। दिस वैरायटी रिक्वायर्स ग्रेट प्रेशर एंड मोमेंटरी हीटिंग हीट ड्यूरिंग मोल्डिंग विच हार्डन्स ऑन कूलिंग। और जब ये हार्ड हो जाता है ना बेटा, ये परमानेंटली हार्ड हो जाता है, इसको आप वापिस फिर मेल्ट वेल्ट नहीं कर सकते आप इसको। एक बार हार्ड हो गया ना, थर्मोसेट हो गया, याद रखो सेट हो जाता है, तो एक बार सेट हो गया, इसका शेप सेट हो जाता है, इसको आप वापस फिर रिमोल्ड, रिसाइकल, रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक है, इसको आप रिसाइकल, इसको आप रीयूज कर सकते हैं, वापस रिसाइकल कर सकते हैं, इसको वापस मेल्ट करके कुछ और बना सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का डिफरेंस है। एक कॉमन आप घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपको ये देखना है, पता क्या बेटा, आप ना फ्राइंग पैन में मदर आपकी यूज करती होंगी घर पे, या वेयर यूज करते होंगे, तो उसके जो हैंडल है, या प्रेशर कुकर, उसका जो हैंडल है ना बेटा, वो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल, वो थर्मोसेटिंग है, उसको वो प्लास्टिक है लेकिन वो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक बार उसको शेप दे दिया ना, और ये क्या होता है, वो ज्यादा जल्दी हीट अप नहीं होते हैं, और ज्यादा हीट को वो कर सकते हैं अब्सॉर्ब, इसलिए वो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। आपके घरों में कुकर के ऊपर जो हैंडल है, या फ्राइंग पैन पे जो हैंडल है, वो सब थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स है। और थर्मोप्लास्टिक के आप अनगिनत एग्जाम्पल आप घर पे देख रहे हैं, ये वाटर बॉटल है, इसको मैं हीट किया, मेल्ट कर दिया, लेकिन इसको मैं वापस मेल्ट करके वापस इसको शेप दे सकता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है बॉटल्स, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं आपके थैलियां हैं, ये सब इसको वापस मेल्ट करके आप रिसाइकल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है किसका, थर्मो, दोनों का, थर्मोसेटिंग का और थर्मोप्लास्टिक का। अभी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, उनके टाइप्स और यूजेस हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा आप टेक्स्ट बुक खोल के इसको पढ़िए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको 20 आइटम्स आपको ऑब्जर्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपको डिफिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिखना है और उसके क्लासिफिकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये आपको जो है ये टेबल बना है। तो बेसिकली क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका यूजेस क्या है, बॉटल्स में, रेनकोट्स में, फिर पॉलिस्ट्रीन, फिर पॉलीथाइलीन,
ये पॉलीप्रोपाइलीन, सो ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं, उसके यूजेस दिए गए हैं, कैसे मिल्क बैग्स, पैकिंग बैग्स, फ्लेक्सिबल गार्डिंग पाइप्स, पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर्स, व्हीकल रोप्स, फिर बेकलाइट, मेलामाइन, ये सब किसके एग्जाम्पल, केबल, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कवरिंग हैंड हैंडल्स ऑफ कुकर्स, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ब्रिटल रहते हैं और ये मतलब टूट जाएंगे अगर आप इसको ज्यादा प्रेशर दें, बेकलाइट, थर्मो सेटिंग्स। तो ये हमारा चैप्टर हम शुरू किए हैं, फिलहाल हम आज प्लास्टिक्स डिस्कस करेंगे, अभी कल हम इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है प्लास्टिक के, और फिर इसका एनवायरमेंटल इसके इफेक्ट्स क्या है। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क का, पहला क्वेश्चन है आपका जो एक्सरसाइज में ही डायरेक्टली है, जो आपको डायरेक्टली दिया गया है एक्सरसाइज में, 20 एलिमेंट्स आपको मैनमेड जो प्रेजेंट है आपके स्कूल में। दूसरा मैं चाहूंगा आप एक डिफिनेशन लिखिए, और फिर आप डिफिनेशन लिखिए इसका अच्छी तरह, और फिर इसका क्लासिफिकेशन मैं चाहूंगा आप क्लासिफिकेशन लिखिए, और डिफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें कंपोजिशन सब आएगा, और फिर एंड में आपका जो लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का वो ये चार्ट बनाना है आपको, टाइप्स ऑफ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स डिफरेंट, उसमें थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों है। धन्यवाद, हरे कृष्ण।